और हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ है प्रोफेसर निर्मला मौर्य जी, वाइस चांसलर हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर की। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका एबीपी गंगा पर। धन्यवाद, नमस्कार। मैम, सभी वीसी से हम यही सवाल कर रहे हैं और पहला सवाल आपसे यही कि बीते एक साल में क्या बच्चों के कोर्स स्टडी सिलेबस उस लिहाज से क्या काम पूरा हो गया है? ऑनलाइन क्लासेस के कारण कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिलेबस अटक गया है? और जो स्टूडेंट सभी सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में हैं, क्या उनके एग्जाम्स पूरे हो गए हैं? क्या योजना आपके पास है? जी, मैं पहले तो शुरुआत करूं, आपको ये बता दूं कि यदि कहते हैं कि शिक्षा हमारे राष्ट्र की या किसी भी राष्ट्र की एक दौलत है, तो शिक्षार्थी उसकी धरोहर है। तो जैसे हम अपनी अपनी दौलत को सुरक्षित करते हैं, संरक्षित करते हैं, और अपनी जो हमारी हमारी जो शिक्षार्थी हैं, जब हम कह रहे हैं कि वो हमारे बहुत बड़े मुख्य स्थान पर हमारे शिक्षार्थी हो जी, तो मैं आपके क्रमवार पिछले बार आपकी बात को आपके सामने रख रही हूँ कि हमारी जो तैयारियां हो गई थी पूरी हो गई हैं। हमारी ऑनलाइन कक्षाएं जो हैं हम लोगों ने शुरू किया था कोविड, देखिए कोविड का एक वर्ष पूरा हो चुका है, मार्च में शुरू हुआ था यहाँ पर भारत में। और उस समय जब पिछले वर्ष की बात जब हम करते हैं तो हम जानते हैं कि फरवरी मार्च में ही मार्च में लॉकडाउन हुआ और फरवरी में हमारी बोर्ड की परीक्षाएं और अन्य परीक्षाएं थी महाविद्यालयों से विश्वविद्यालयों तो सब सारी स्थगित हो गई। उसके पश्चात जौनपुर विश्वविद्यालय में सितंबर में कुछ परीक्षाएं करा दी। उसके पश्चात हमने दिसंबर में पठन पाठन का कार्य महाविद्यालय स्तर पर और विश्वविद्यालय स्तर पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए शुरू कर दिया था। और मैं आपको ये जानकारी दूं कि मैं स्वयं यहाँ के जो हॉस्टल जो कक्षाएं हैं मैंने स्वयं वहाँ विजिट किया, वहाँ गई, पूरा सैनिटाइजेशन हुआ, दो दो तीन तीन बार, मतलब कोविड के प्रोटोकॉल्स का ध्यान रख के कोर्स पूरा कराया गया है, सिलेबस पूरा कराया गया है, ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम या जिनको यूनिवर्सिटी कैंपस आने की जरूरत है वहां पर भी आप लोगों ने प्रोटोकॉल का ध्यान रख के क्लासेस कंडक्ट कराई हैं। तो मतलब इस पॉइंट पर अश्योर हो सकते हैं कि स्टूडेंट्स का सिलेबस पूरा है, लेकिन बड़ी समस्या आपके सामने ये भी होगी और मैं चाहूंगी आप बताएं कि इसके लिए क्या खाका या योजना आपके पास है। अब अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए जो नए स्टूडेंट्स आएंगे ट्वेल्थ से प्रमोट होकर, पास नहीं प्रमोट होकर, तो आखिर उनको किस आधार पर दिया जाएगा एंट्रेंस? और यदि एंट्रेंस की जरूरत पड़ती है तो क्या उसके लिए तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार हैं और हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में काफी जगह है और मेरिट के आधार पर भी होगा, ये तो सीधी सी बात है, जहाँ भी प्रवेश लिया जाता है भले वो प्रमोट होकर आ रहे हैं तो वो तो एडमिशन दिया ही जाएगा। और बल्कि मैं हम लोग लगातार बैठकें भी कर रहे हैं, विज्ञापन भी दे दिया जा चुका है, तो हम ये चाह रहे हैं कि ऑन द स्पॉट एडमिशन भी हो जहाँ आवश्यकता पड़े। तो हमारे विद्यार्थी जो सुन रहे हैं उन्हें बिल्कुल भी उसका मनोबल टूटना नहीं चाहिए, हम विद्यार्थियों के लिए बैठे हैं और वो एडमिशन भी पाएंगे, कोविड नियमों का पालन करते हुए आएंगे, विश्वविद्यालय साथ है और साथ में शासन का भी हम पालन, जो उनका आदेश निर्गत हो रहा है उसका लगातार, उसका जो प्रोटोकॉल आ रहा है उसका भी हम पालन कर रहे हैं, लगातार बैठकें आयोजित करके हम विद्यार्थियों को केंद्र में रखकर कार्य कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो आपने ये श्योर किया कि किसी के भी साथ नाइंसाफी नहीं होगी और स्टूडेंट्स को डीमोरलाइज होने की भी जरूरत नहीं है, सबके लिए रास्ते निकाले जाएंगे। लेकिन मैम, एक अहम सवाल ये भी आता है कि मेरिट के आधार पर या एंट्रेंस के आधार पर तो बच्चे सेलेक्ट होकर आते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे कल्चर और एक्टिविटीज कोटा उसका भी एक वेटेज होता है, स्पोर्ट्स कोटा उसका भी एक वेटेज होता है, उस आधार पर भी आते हैं, तो उनके लिए क्या रास्ता निकालेंगे आप? उनके लिए भी रास्ता निकालेंगे, उनको वो वेटेज दिया जाएगा और हम तो ये देखेंगे, बल्कि ऐसे विद्यार्थी जो होंगे तो उनको विशेष प्रकार से देखते हुए और उनको जरूर एडमिशन दिया जाएगा, उनको मौका दिया जाएगा, क्योंकि कोविड काल है तो हमें जब हम संवेदना के आधार पर चीजों को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि नियमों का उल्लंघन भी ना हो और हमारे कार्य भी हो जाए, हमारे विद्यार्थियों के लिए हम कार्य करें। और आपको मैं ये भी सूचना दे दूँ कि हमारे यहाँ व्यावहारिक मनोविज्ञान विभाग है जो लगातार बच्चों की काउंसलिंग कर रहा है करीब करीब 6 महीने, तो बल्कि मैं तो ये चाहती हूँ कि जो प्लस टू के बच्चे आ रहे हैं कॉलेज उनका भी मनोबल नहीं गिरना चाहिए और उनके लिए यदि ग्रेडिंग सिस्टम हम चाह रहे हैं तो उनको एक कहीं ना कहीं मौका दिया जाना चाहिए कि वो ग्रेडिंग सुधार कर ले, तो ये शासन में इसकी व्यवस्था अवश्य करेगा मेरा ऐसा मानना।
बिल्कुल मैम, आपने अश्योर किया है कि बात चाहे स्पोर्ट्स कोटे की हो या फिर कल्चरल एक्टिविटीज कोटे की, उन छात्रों को भी मौका दिया जाएगा और उसी आधार पर वेटेज देके उनके भी एडमिशन के चांसेस बनेंगे। तो छात्रों का हर वर्ग ये शो देख रहा है और इस समय उसको इंतजार है कि आगे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में जब एडमिशन होगा तो किस आधार पर होगा। ऐसा तो नहीं है कि कहीं मेरा जो कोटा था उसके आधार पर मुझे अच्छे कॉलेज ना मिल पाए। अभी तक जब ट्वेल्थ के एग्जाम्स या एक्टिविटीज होती थी तो वो उस आधार पर आगे बढ़ते थे। मैम, मेरा अगला और अंतिम सवाल उन स्टूडेंट्स के लिए है जो फाइनल ईयर में अपीयर होंगे, जिनके समय से एग्जाम होना इसलिए जरूरी है क्योंकि उनको फर्दर पोस्ट ग्रेजुएट या पीएचडी प्रोग्राम्स में जाना होता है। तो क्या वो एग्जाम समय से कंडक्ट होंगे, ऑनलाइन होंगे या यूनिवर्सिटी में ही ऑर्गेनाइज होंगे, इसको लेकर आपके पास कोई प्लान है क्या? जी, मैं आपको बता दूं, एक दो पंक्तियों में अपनी बात कहूंगी जी। हमारे यहाँ ब्लेंडेड एजुकेशन शुरू हो गई थी। ब्लेंडेड एजुकेशन आप जानते हैं मिश्रित शिक्षा, मैंने आप जैसे मैंने बताया कि दिसंबर में कक्षाएं ऑफलाइन शुरू हो गई, ऑनलाइन भी चल रही है। उसके बाद कक्षाएं जब बंद हो गया विश्वविद्यालय, और साथ में ई कंटेंट बहुत डाले गए, साथ में तरह से आदेश किया था बहुत ही कंटेंट डाले गए, ई मैटर ई कक्षाएं भी चली, तो ये तो चल रहा है। और हमारी तैयारी थी 15 अप्रैल से हमारी परीक्षाएं शुरू होने वाली थी, सारे क्वेश्चन पेपर तैयार हैं। तो जैसे ही शासन का आदेश आता है हम परीक्षाएं 15 दिनों में परीक्षाएं शुरू कर देंगे, पर शासन का हम इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, तो आपने बहुत बड़ी बात कही है कि शासन का जैसे ही आदेश आता है हम 15 दिनों के अंदर परीक्षाएं शुरू कर देंगे। कहने का मतलब ये कि आपकी तैयारी पूरी है, पूरा प्लान आपके पास है कि आखिर कैसे एग्जाम कंडक्ट होंगे, किस तरह होंगे, प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखा जाएगा। और जिस तीसरी वेव की बात हो रही है, कम से कम उस खतरे को भांपते हुए स्टूडेंट्स की स्वास्थ्य और सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा पर आने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए।